नमस्कार, जीवन व्यवस्था न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं निधि। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर बाड़मेर जिले के गुड्डामलानी से, जहां दिनों दिन बढ़ती अवैध स्मैक को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव के निर्देशानुसार चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश आर्य, गुड्डामलानी पुलिस उपाधीक्षक सुपकरण खींची के निर्देशन में गुड्डामलानी थाना अधिकारी मुल्लाराम चौधरी के द्वारा रामजी का गोल में कार्रवाई की। आपको बता दें कि गुड्डामलानी क्षेत्र में हो रहे अवैध स्मैक की रोकथाम को लेकर रामजी का गोल क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए मुलजिम धोरीमन्ना की तरफ से अवैध स्मैक लेकर आया और अपने गांव की तरफ लेकर जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर रामजी का गोल चौराहे पर नाकाबंदी कर मुलजिम को स्मैक व मोटरसाइकिल सहित आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जा से 20 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई। कार्रवाई के दौरान सब इंस्पेक्टर दुर्गाराम, हेड कांस्टेबल हर्षाराम, कांस्टेबल लिखमाराम पुनिया, कांस्टेबल ओम प्रकाश, हकीम खान, रामचंद बेनीवाल व चालक श्री राम मय जावता द्वारा बड़ी कार्रवाई की। मामले की जांच RGT पुलिस थाना प्रभारी कर रहे हैं। गुड्डामलानी से जोगेंद्र आचार्य की विशेष रिपोर्ट।